अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हम लोग शॉप की तरफ जा रहे हैं और हम लोग इस गली से आए हैं। पहले तो बाहर कुत्ते थे, अल्लाह ने हमें बचाया, नहीं है अब बहुत जल्दी आने लग गए हैं। क्या था वो देखो, छोटे छोटे बाहर निकलेंगे। ये देखो ज़रा, ये वो ट्विंस हैं, दो बहनें, वो हैं मेरे, तो बच्चे हैं। ये घर है ना उनका, वो देखो ये इधर आई हुई है क्या। हाँ मनु, इधर आई हुई हो तुम? नहीं, ये वो नहीं है, वही है, वो नहीं है, वो उधर है। उनके घर गई थी सना लोगों के घर। कैची हो? हेलो कैची हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मम्मा पापा भी ठीक हैं। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो भाई? अच्छा साइकिल चला रही हो? मम्मा भी ठीक है? हाँ, पापा ठीक है। पापा भी ठीक है? अच्छा हाँ, पापा सब ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। ज्यादा आगे ना जाना, ज्यादा आगे ना जाना। अच्छा बच्चे कितने प्यारे होते हैं, ओह माय गुडनेस। मम्मा पापा भी ठीक है? सो क्यूट। गई कैसे? माशाल्लाह बड़ी प्यारी। मेरे पर कैसे गई है? बहुत ज़्यादा आगे जाकर बातें बहुत अच्छी है ना? जी नहीं जरा भी नहीं। तुम भी बचपन में ऐसी थी। तुम्हें किसने कहा? बाय बाय बुला रही है हमें। बाय बाय। इधर से आते हो आप? इधर से, इधर ही होंगे। चलो फिर इनसे मिलेंगे, ऑफिस देंगे। ठीक है, अब इनके लिए हम लोग कैंडिस लेकर आएंगे। इस तरह से हमारी बड़ी छोटी छोटी सहेलियाँ हैं। वो मेरा तो अब आजकल बाहर ही नहीं निकलती। बस देखो कैसे आ गया कि उसने सलाम लिया खुद। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, ऐसे बच्चे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, हंसने खेलने। मेरी तरह? ठीक है, मेरी तरह ही से, बहुत अच्छी बात है, नॉट बैड। सही में कहीं से आए हैं? हाँ ये देखो सारी पानी वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज के टाइम भूतों को पानी सप्लाई होता होगा। हाँ भूत ही करते होंगे, है ना? भूतों को पानी भूत ही करते होंगे। वॉक भी हो जाती है, व्लॉग भी बन जाता है। बहुत है, बहुत है। ओह शिट, चलो कोई नहीं, कल। हाँ बहुत है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। चलो शॉप पर चलते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने उनके लिए कैंडीज ली हैं। अगर वो दोनों बच्चे बाहर हुए तो उनको कैंडीज देंगे और फिर घर चलेंगे। वॉक भी हम लोगों ने कर ली है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई भी कुत्ता हमें नज़र नहीं आया। देखिए इस टाइम शॉप इस साइड वाली बंद है, यहाँ पर सन्नाटा है। शेर चले गए हैं? चले गए? हाँ नहीं है। ओहो दरवाजे के आगे थे ना, उनकी मम्मा अंदर ले गई होगी। देखते हैं शायद वो आगे गेट के पास गए। ये लाइट्स इन लोगों ने लगाई हुई है। अच्छा सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह घर से जा दी है ना। हाँ ये मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह कि सरकार ने भी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं इस महीने। बेशक इससे बड़ी ईद और हो कौन सी सकती है, वो बताना नहीं था? कोई शक नहीं। हाँ लिसनर्स को बताना था कल दिन में। चलो कल दिन में हम लोग आप लोगों को वो दिखाएंगे। वो मेरे लिसनर पूछते हैं जो मैंने जगह देखी। हाँ कि जहाँ से वो बच्ची भागी थी वो कौन सी जगह थी और वो क्या था सारा, वो बताएंगे इंशाल्लाह आपको कल, जगह भी दिखाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, लेकिन वो बिल्कुल अकेली थी। 11 बजे अंदर अंदर
अंदर वो अंदर सामने खड़े हैं। आ रहा है आ रहा है। पूछो बहना कहाँ है, छोटी बहना कहाँ है, छोटी बहना कहाँ है, ये भी ले जाओ, ये बहना को दे देना, ये अच्छी की तरफ ये हमारा दोस्त है, ये भी छोटी बहना को देना। अच्छा बाय बाय। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, उधर चलो जिसकी किस्मत में थी अगला ले गया है ना। वाह भाई वाह, ये थी किस्मत की बात। वो अरे वो पहले हाँ 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 वो साइकिल इधर है इनके, ये फर्नीचर देखो पता नहीं किसकी। मुझे ये गाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती तो बस तक फुरल्ला पनीर का ड्रामा याद आ गया। हाँ है ना, हद्दी हो गई है। दिस मच बैड चॉइस। पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं, बस मैं तो पौधे और परिंदे ही देखते रहते हूँ, आने दो वो इस टाइम निकलती हैं। चले अब हमारी हो गई है वॉक, अब हम जा रहे हैं अंदर। बच्चों को चीजें नहीं दे रही है, ऐसे आया ना एक मिनट में। चलिए फिर अब घर चलते हैं, बाकी ये व्लॉग कल एंड करूँगी इंशाल्लाह। देखिए इस तरह हम लोग घर जा रहे हैं, और फिर आज हमारे घर के बाहर कुत्ते आ गए हैं, अब जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए अब क्या बनता है, पता नहीं शायद भगा ही दें, पता नहीं कौन सा ब्लैक है, वही है वही है। हाँ मुझे तो लगता है कोई और भी है, वो खड़ा हुआ क्यों है ऐसे, क्यों सामने बना रही है, सामने खड़ा है, भाग जाएगा मसला नहीं भागेगा। वो ये बैठ गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है वो, ये उधर भी चढ़ा हुआ है, दो हैं दो हैं, ऊपर चढ़ कर खा रहा है। ये जो भाई हैं इन्होंने हमारी हेल्प की है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अगर गली में कोई ना होता तो पता नहीं हमारा क्या बनता, अभी मैं ऊपर से देखती हूँ इनको। मैं ऊपर आई, अभी तक तो आई नहीं है वापस। इतने बड़े कुत्ते थे, रोटी खा रहे थे, दूध पी गए हैं सारा, अभी तो सामने नहीं है, अभी वापस आते हैं तो फिर देखते हैं। अभी वो फिर आएंगे। हम लोगों ने चिकन टिक्का मंगवाया था, टेस्टलेस, बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, वो भी हमने सारा डाल दिया था रोटी के साथ ही, वो खाने आए हुए थे। ये देखिए हम लोग थर्ड फ्लोर पर हम चले भी गए। मैं और नुशी ने भी आए थे, मैं इसको मना कर रही थी पीछे हो जाओ, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल छतों के जो दीवारें होती है ना उन पे नहीं आना चाहिए, इनको जैसे पंजाबी में बनेरा बोलते हैं। हाँ, बनेरों पर, मुंडेर पर नहीं आना चाहिए, बनेरों अभी, पर। अभी यहाँ पर कुत्ते थे तीन, आएंगे आएंगे, ऐसी हाई लिसनर की है ना उधर, वो सारे इसलिए आ रहे हैं कि इस गली में उनको बहुत ज्यादा खाने की चीजें मिलती। देखिए इस टाइम पिज्जा डिलीवरी आई है, कोई बात है रात के 1 बजे। अच्छा वो तुम्हारे लिसनर्स कह रहे थे कि जो नीलम वो सुबह दिखाएंगे, वो दिन के टाइम दिखाएंगे। लिसनर्स को एक और खौफनाक वाक्य बताना चाहती हूं। नहीं अभी नीचे चलो ना, अभी मैं नीचे वाले टेरेस पर पहले कुत्तों को कैप्चर करूं। जो मुंडेर है ना, इनके वाकयात, मेरी फ्रेंड थी दुर्दाना, हाँ हाँ, और उसकी बहन का नाम था साइमा। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना तो हम दोनों इकट्ठा खेला करती थी। अच्छा, उसकी जो बहन थी ना वो इतने ज्यादा मौसम खराब था, इतना वो ऊपर छत पे थी। अच्छा, और जब वो नीचे आ रही थी ना सीढ़ियों से, तो उसे किसी जिन ने, और ये सुनने में आया था किसी दियो ने उसको धक्का दे दिया था। अच्छा, यानी मुंडेर से, और उसका सारा वो जो नीचे वाला धड़ था वो पैरालाइज होकर टूट गया था। तो बस तकफार, और तो बस फिर तकफार। वो काफी अर्सा वो उधर ही रही फिर चारपाई पे, और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। मैं तुम्हारे लिसनर्स को एक पैगाम देना चाहती हूँ, बताओ अपने बच्चों को और खुद भी, दिन के टाइम भी रात के टाइम भी कभी भी इन मुंडेरों पर खड़ा, यानी छतों के जो दीवारें होती हैं जहां से नीचे देखा जाता है वहां पर खड़े नहीं होना चाहिए।
इन जगहों के ऊपर खास कर जन्नात का बसेरा होता है, और जब रात के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इसके नज़दीक जाया जाता है तो वो धक्का दे देते हैं। अपने बच्चों का भी ख्याल रखा करें और अपना भी। सही है, ये मैसेज मैंने, मुझे इन पर बड़ा तरस आता है। चले गए, वो आ गया। नहीं 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 है निशी, तुम्हें एक सेल्फी स्टिक लेनी चाहिए। इतने मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है। वो मेरे पास वो ट्राईपॉड है, वो उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। ट्राईपॉड पे तुम हाथ में, उसका मैं नहीं, उसका मैं हाथ अगर आगे भी करूंगी ना तो उसके ऊपर कैमरा फिक्स रहेगा। कैमरा इतना लंबा तो नहीं ना हाथ आगे जा सकता जितना बाकी सेल्फी स्टिक। चलो वो तो देखो ना, इधर खड़े होते हैं लड़के लड़कियाँ, उनकी सेल्फी स्टिक अभी तक जाती है, वो भी इंशाल्लाह कर लूँगी। चलो अब नीचे चलते हैं, बहुत रात है। इस टाइम 1 बज रहा है और हम लोग ऊपर आई हैं। मौसम ख़राब था, कपड़े वॉश किए थे। तो अगर तुम्हारे लिसनर्स ये जो साथ वाला घर है इसके मुतल्लिक कोई कहानी, हॉन्टेड स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताएं। अच्छा, तो कल हम फिर शाम के टाइम ये भी व्लॉग बनाएंगे। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती, ये बिल्कुल सच है। और इस टाइम ना करो, इधर चीज़ें हैं और इसके मुतल्लिक भी मैं स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। किधर है वो, उठाने नहीं है मेरे साथ। ये देखिए, मैं अब सेकंड फ्लोर पर आई हूँ, पहले हम थर्ड फ्लोर पर थे। बेतहाशा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, बेतहाशा। आज शाम में भी हम लोग वॉक करने बाहर जाने ही लगी थी, हम लोग नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा गली में कुत्ते थे इस टाइम। फिर हम लोगों ने वॉक नहीं की। अब इस टाइम रात का 1 बज रहा है। अभी जब हम लोग ऊपर गए थे तो यहाँ पर थे कुत्ते थे। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बड़े और वाइल्ड डॉग आ रहे हैं हमारे टाउन में ना। आज का व्लॉग मैं फुल नाइट व्लॉग बना रही हूँ, और ये उन लोगों के लिए है जिनको मेरे नाइट व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम यहाँ से ये जो कुत्ते हैं ये सिर्फ खाना ढूंढने आते हैं। अब आजकल तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी। पहले ये इतनी जल्दी नहीं आते थे। जैसे हम लोग भी बाहर बिल्लियों के लिए दूध रखते हैं, हम लोग अब रोटियां भी डालते हैं बिल्ली के बच्चों के लिए, वो भी खा लें वो। तो अब इनको यहाँ पर ये पता है कि यहाँ पर खाना भी होता है, दूध भी होता है, तो अब ये टाइम से ही आ जाते हैं। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जैसे सर्दियाँ होंगी ना तो हम लोग बिल्ली के बच्चों के लिए ना मगरिब तक दूध वगैरह डाल दिया करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं। 2 दिन तो वो इनसे डर के रहे हैं, वो जो उस दिन ग्रुप आया था, 2 दिन उनसे डर के रहे हैं, वो कहीं छुप कर रहे हैं। कुछ ये इस घर में, कुछ इस घर में, कुछ इस घर में। 2 दिन के बाद वो निकले हैं। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद वो मार दिए कुत्तों ने, जो वो आए नहीं थे 2 दिन। दूध हम लोग फिर भी डालते रहे उनके लिए। तो ये बिल्ली के बच्चे थे बहुत छोटे छोटे, तो सारा दिन सारी रात गली में भागते थे, घरों में चीखते थे कि हमें कुछ खाने को दे दो ना। फिर इसलिए हम लोगों ने बाहर दूध डालना शुरू किया। बल्कि मैंने ही स्टार्ट किया था इस काम का, मैंने ही सबको कहा था कि हम लोग घर में तो नहीं रख सकते, तो हम लोग ऐसा करते हैं इनके लिए गली में दूध रख देते हैं, चलो ये लोग पी तो लेंगे ना। तो फिर वही हुआ, इनको पता चल गया ये यहाँ से दूध पीने आ जाते थे। मैं उस साइड पर बार बार देखती हूँ कि उस तरफ से कुत्ते आ रहे हैं, शायद इस तरफ से। अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी कुत्तों के भौंकने की। उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मैं काम कर रही थी जिस टाइम शाम में बाहर कुत्ते थे। फिर मैं काफ़ी देर खड़ी रही लेकिन नहीं आए। ये देखिए, कुत्तों के भौंकने की मुसलसल आवाज़ें हैं इन्हीं गलियों में, आस पास ही हैं। एक तो जहाज ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, वो टाइम है इस टाइम उड़ने का, पता भी है व्लॉग बनाना है। अभी टाउन में ही हैं और बहुत ज़्यादा है। अब वो खा भी तो गए ऑलरेडी सारा कुछ, लेकिन फिर भी बार बार वो गलियों में आते हैं कि शायद हमें कुछ और मिल जाए, शायद हमें कुछ और मिल जाए। तो मैं अभी इधर ही खड़ी हूँ इस इंतज़ार में कि अगर तो कुछ नज़र आता है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। हिम्मत है उन लोगों की जो इतनी रात को अकेले बाहर निकलते हैं। सीरियसली मुझे तो देख सोच कर ही डर लगता है।
थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे नाइट व्लॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं। हम लोग बेसिकली वो चेक करने गए थे क्योंकि कपड़े जब धोकर रात के लिए ओवरनाइट ऊपर बिछाएं तो उनके ऊपर वो चुटकियाँ लगा देते हैं, वो लगाने गए थे लेकिन कपड़े सूख गए थे, फिर हम लोगों ने सोचा नीचे ले जाते हैं, ऊपर रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो अभी मैं स्टिल इधर ही हूँ ये देखने के लिए कि क्या बनता है। ये आवाज़ें आप लोग सुन रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ज़रा बंद करती हूँ, अगर कोई चीज़ सामने आती है तो फिर रिकॉर्ड करती हूँ, वरना ऐसे फिर ये स्ट्रीट की ही वीडियो बनती रहेगी जस्ट। यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं इस तरफ से, इतना ब्लैक वो कुत्ता था उसे देखकर ही डर लग रहा था, ऐसे वो सामने आकर खड़ा हो गया। उस टाइम बिल्ली के बच्चे दूध पी रहे थे, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे उस टाइम। फिर मैंने ऊपर से भी उसका व्लॉग बनाया था जब वो दूध पी रहा था, देखिए कभी कभी इतनी तेजी से भागते हुए आते हैं, कभी कभी बिल्कुल आराम आराम से। वॉचमैन का भी हौसला जो इतनी रात को पहरा देते हैं। देखिए ये बास्केट्स जो बाहर डस्टबिन रखी होती हैं उनमें से गार्बेज निकाल कर वो खाते हैं। पहले बिल्लियाँ भी बेचारी घुसी होती थी इन्हीं डस्टबिन्स में, जब से फिर हम लोगों ने इनके लिए खाना रखा है तो वो खाना खाती हैं। तो अभी फिर मैं चलती हूँ अंदर और देखते हैं, यहाँ पर रात में टेरेस पर भी खड़े होकर व्लॉग बनाना इतना इजी नहीं है, डर लगता है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, सर्दियों में मंजर देखने वाला होता है, ऐसे भाग रहे होते हैं गलियों में इतने ज़्यादा होते हैं, तब मैंने कभी नाइट व्लॉग्स बनाए नहीं थे, लेकिन अब इंशाल्लाह इन सर्दियों में मैं ज़रूर बनाऊंगी नाइट व्लॉग्स। इस टाइम तो बिल्ली के बच्चे छुपकर बेचारे सो जाते हैं, छह थे तीन रह गए, तीन इन्होंने मार दिए। एक तो हमारे सामने ही यानी मुझे पता लग गया था एक को इन्होंने मार दिया था, मैंने वीडियो भी दिखाई थी आप लोगों को, बाकी दो का नहीं पता चला। दो बार मैंने इन कुत्तों को बिल्लियों का शिकार करते देखा, एक दफ़ा ये साथ वाला घर भी नहीं बना था तो यहाँ पर ग्राउंड था, खाली प्लॉट था, तो यहाँ पर कुत्तों ने उस बिल्ली को मारा था, काले रंग की बिल्ली थी, चार कुत्ते थे, मार दिया था उस बेचारी को, और फिर उसके बाद ये बिल्ली के बच्चों को मैंने मारते देखा था, वो दुख हुआ था मुझे। चलिए फिर मैं चलती हूँ अंदर, इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। ये था आज का नाइट व्लॉग आप लोगों के लिए, खुसूसी स्पेशल मैंने व्लॉग बनाया, कोशिश करती हूँ कि इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाऊँ आप लोगों के लिए, जिस दिन कुकिंग अच्छी लगती है उस दिन कुकिंग भी, जिस दिन इस तरह की कोई एडवेंचर चीज़ हो, कुत्ते हों या कुछ ऐसा नया हो तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश तो करती हूँ। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में कल। अभी आप लोग इस व्लॉग को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए,
वेली कुड़ी के व्लॉग्स देखते हैं शौक से, तो उनको सब्सक्राइब और सपोर्ट भी किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, मुझे प्रमोट करें। वेली कुड़ी को इतनी वेली हूँ कि देख लें, रात को भी व्लॉग ही बना रही हूँ, सीरियसली अ पार्ट ऑफ अ जॉक मैंने कहा है वैसे। तो अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुशियाँ दे, तंदरुस्तियाँ दे, जो बेरोज़गार अल्लाह उन्हें बेरोज़गार दे, जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता करे, जो बीमार हैं उनको सेहत तंदरुस्ती अता करे, अपने वालदैन का, बड़ों बुज़ुर्गों का ख्याल रखा करें, इज़्ज़त किया करें, प्यार किया करें। अल्लाह की रहमतें हम सब पर, आप सब पर अल्लाह हमेशा कायम रखे, आमीन। इन ढेरों दुआओं के साथ वेली कुड़ी को इजाज़त दें। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, गली से कोई आवाज़ वगैरह आई कुत्तों की, तो ज़रूर आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। ऐसे करके बंद करते, ऐसे।